हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज रेस्ट ऑफ मार्च आपके रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे। वैसे मैं टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज ही डालूंगी क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती है, तो आप इस हिसाब से देखना। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी तो आप उस हिसाब से टाइम कंज्यूम कर लेना अपने रीडिंग में, अपने एनर्जी के लिए कि आगे के 15 डेज आपके रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। डिटेल रीडिंग रहेंगी, फिर इसकी गाइडेंस भी लेंगे क्योंकि हम कई बार रीडिंग 1 डे 2 डेज 3 डेज या 15 डेज के लिए हम लोग निकालते हैं, बट रीडिंग कभी कभी बहुत मेजर अर्काना के कार्ड आते हैं तो ये रीडिंग परमानेंट भी हो जाती है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रीडिंग हो जाती है। हाँ, मेजर अर्काना एक लॉन्ग टर्म के हमें एनर्जी बताते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी के इंडिकेट करते हैं मेजर अर्काना के कार्ड, जैसे कि डेथ, सन, ऐसे कुछ कार्ड होते हैं। और जहाँ तक मुझे जैसे जैसे गाइडेंस आएगी मैं उसे से आपको बोलते जाऊँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इसको ऐसे ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। या फिर किसी ने मुझे पूछा था कि के पर्सन का नाम और बोलकर कि शादी होगी ऐसा कुछ, तो डियर ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं बोल सकती। आप मुझ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं सिंगल क्वेश्चन के लिए, वन क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अपने पर्सन को लेकर आप बहुत परेशान हो तो आप वन क्वेश्चन का, जी हाँ मेरे यहाँ पे वन क्वेश्चन का भी है, टू क्वेश्चन का भी है, आप अपने हिसाब से मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। वैसे मैंने शॉर्ट भी डाली है तो आप वहाँ वो देख कर अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो आप ले लेना। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे देखने के लिए तो उनके जनरल कलेक्टिव रीडिंग चैनल पे होती है और मैं थोड़ा डिटेल ही जाती हूँ ताकि कोशिश रहती है कि किसी को जनरल गाइडेंस ऐसे मिल जाए कि कंसल्टेशन की ज़रूरत ना पड़े। बाकी आप पर, आप कितना लेते हैं कैसे लेते हैं ये डिपेंड ऑन यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉल करते हैं आर्कैंजल माइकल को। डियर आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ आइए और मैं जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज मेरे दर्शकों के कैसे होने वाले हैं। पहले मैं आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे देखूंगी, फिर रिलेशनशिप में भी देखूंगी और आपका ओवरऑल फ्यूचर भी देखूंगी। नेक्स्ट 15 डेज कैसा होने वाले हैं, माइकल प्लीज गाइड मी, नेक्स्ट 15 डेज मेरे दर्शकों के लिए कैसे होने वाले हैं। एंजल और अकल कार्ड है गाइस, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग अपनी एनर्जी खुली करके नहीं बैठे हो क्या अभी भी, टाइम क्यों लगा रहे हो। किंग ऑफ फायर, सन, 15 डेज तो बड़े अच्छे जा रहे हैं आपके, एक्शन में है, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, किसी को जस्टिस मिल रहा है, किसी का हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई कुछ सीख रहे हो या फिर किसी को सिखा रहे हो, दोनों ही प्रोसेस में आपका अवेकनिंग बहुत हो रहा है। आप तो कटे कटे रहेंगे, आइसोलेशन मोड में रहेंगे, बट ये सौरव वाला आइसोलेशन मोड नहीं है, जैसे कुछ सीखना है, स्टडी करना है, कुछ जानना है, अकेले रह के रिसर्च करने की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। किसी प्रोजेक्ट पे हो या शायद आप आजकल उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका, जस्टिस मिल रहा है आपके लाइफ में, आपको मिल रहा है। लियो लिब्रा की एनर्जी बहुत यहाँ पे आ रही है, लिब्रा के लिए जेमिनी, एरीज लियो सजिटेरियस, और देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ फायर, कोई मैरिड कपल देख रही है, बाहर जाएंगे घूमने के लिए मुझे जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, रिलोकेट हो रहा है कोई यहाँ पे, किसी की उम्मीद सच में जो होप अपने रखी थी वो सक्सेसफुल हो गई है, फैमिली के साथ कहीं कोई बाहर घूमने के लिए जा रहा है, आपको अपोलॉजी मिल रही कहीं से, ऑप्शंस से रिलेशनशिप में ऑप्शंस हटते हुए दिख रहे, अपोलॉजी आ रही क्योंकि अगर मैरिड रिलेशनशिप में कोई ऑप्शंस थे
तो वो हट जाएंगे और पर्सन से आपको माफ़ी मिलती हुई दिख रही है। एम्परर भी है, इमोशंस भी है। जितना आप पावरफुल दिखते हो, पावरफुल रहने की कोशिश करेंगे, उतने आप इमोशनल भी होती हुई मुझे दिख रहे अगले 15 दिन। आप एक्शन में सक्सेस हो, पैशन में सक्सेस हो, एक्टिविटी में सक्सेसफुल हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने 100% योगदान आप दे रहे, कुछ नया सीख रहे या फिर किसी को सिखा रहे हैं। जस्टिस आपको मिलने वाला है अगले 15 दिनों की एनर्जी में निकाल रही हूँ, बट मुझे लगता है आगे के फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर पर्सन आपको छोड़कर गया था किसी ऑप्शन की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना लिया था, अभी डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो रहा है आपके इस पर्सन के साथ, मुझे मैरिड कपल ही यहाँ पे एनर्जी आ रही है, किसी के फैमिली दिख रही है यहाँ पे, पर्सन फैमिली में आते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को सख्त रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, पावरफुल रहेंगे आप, आप अपने एनर्जी में तो रहने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। एंड एग्जॉस्ट होने की वजह क्या है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। या तो आपको पता है कि आपके पर्सन एक चीटर के एनर्जी में है, ये इन्होंने कोई ना कोई चीटिंग आपके साथ की है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इस पर्सन ने आपके होते हुए अपने लाइफ में रखे हैं, और जिस तरीके से इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए था ये पर्सन रहे नहीं है। 15 दिनों में ये चीज़ बदलने वाली है नहीं, बट 15 दिनों में मैं इतना डेफिनेटली देख रही हूँ अगले 15 दिनों में कि आप अपने एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड कोई सक्सेस आपकी ओर आ रहा है नहीं, तो आप खुद ही एक सक्सेसफुल ग्रैंड सक्सेस आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। शायद आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी वर्क पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ग्रैंड सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, और सक्सेस ही इतना बड़ा रहेगा कि आप इस पर्सन के ऊपर आप कितना ध्यान दे पाएंगे मुझे पता नहीं। बट जब भी कभी आप इमोशन होते हो, अकेले होते हो, जब भी कभी आप अपने आप में समय बिताते हो, तो उस वक्त आप परेशान डेफिनेटली होते हैं। आप कुछ भी करें आप इस पर्सन की चीटिंग भूल नहीं पाते हो। भूलने वाली बात नहीं है तो भूलेंगे भी नहीं ना गाइस। दिल का मामला वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके साथ कोई खेल जाए तो चीज़ें सच में, आप इनोवेटिव रहेंगे, आप बहुत चैरिस्मेटिक रहने वाले हो, इंस्पिरेशन रहने वाले हो। जी एम्प्रेस गुड न्यूज़ आ रही है, आप अपने एनर्जी में आ रहे हो, एम्परर एंड एम्प्रेस यहाँ पे ट्विन फ्लेम कपल की एनर्जी लग रही है मुझे। आप सक्सेस, आपने जो काम शुरू किया था ना उसमें आपको सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे किसी की कोर्ट मैटर चल रहे थे, आपके ऊपर निगाह है और मुझे लगता है वो आपके फेवर में डिसीजन आता हुआ दिख रहा है मुझे। या तो कोर्ट मैटर होगा ही नहीं, पर्सन सामने से आपसे माफ़ी मांगकर इस चीज़ों का रफा दफा करने की कोशिश करेगा। कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, और आपके हाथ में कुछ लगने वाला है। हाँ, बैलेंस कर लेंगे आप सक्सेस को, सिचुएशन को, लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। अब आप बहुत मेजर्ड पर्सन हो गए हो, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और अपने हर फैसले पर एक्शनेट रहेंगे, सक्सेसफुल एक्शन लेंगे आप। आपको पता है कि आपको आपके लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। एक मिनट है, देखते हैं क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी क्यों है। वही क्वीन को जस्टिस मिला है भाई, क्वीन को जस्टिस मिला है, बट आप है ना इस बार आप दिमाग से चलने वाले पर्सन हो। अब तक आप दिल से खेलने वाले पर्सन थे, अब दिमाग से चलने वाले पर्सन हो। जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्स, लीगल मैटर में काफ़ी टाइम से फंसे थे, कोई डिसीजन नहीं आ रहा था, या फिर आप चाह रहे थे कि आपके लीगल मैटर में डिसीजन आ जाए और डिवोर्स हो जाए। अगर यहाँ पे कोई डिवोर्स की कोशिश कर रहा था तो दैट इज़ ऑन वे। और अगर आपके पर्सन कोशिश कर रहे थे कि आपको डिवोर्स दे या फिर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ एंड हो जाए, तो वो भी मीन्स डिसीजन कोई भी हो, आप जो चाहती हैं वो आपके फेवर में हो रहा है, आपकी सिचुएशन निकलने वाली है। सोर्स में आज इस रिलेशनशिप में आप अब तक रहे हो उसमें मिलता हुआ दिख रहा है मुझे।
आपका जो एम्परर गया था वही एम्परर ने सिक्स ऑफ स्वॉर्ड देकर मुझे लगा था। देखिए एम्प्रेस के ठीक नीचे एम्परर आ चुका है। मिररिंग करते हो आजकल, आपका जो एम्परर आपसे दूर चला गया था और इस किसी का एम्परर अभी फॉरेन गया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बना ले, तो जो पर्सन आपसे दूर चला गया था वो डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था या फिर ये पर्सन वॉकआउट करके चले गए थे, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आता हुआ दिख रहा है। मिरेकल ही गाइस। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन है, बच्चे फैमिली है, तो जी रिकंसिलेशन के साथ जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे पर्सन। खोया हुआ प्यार मिल रहा है। माफ़ी किस बात के लिए मिलेगी, मैंने बोला था ना कोई आपको छोड़ के चला गया था, वो पर्सन आपको स्टॉक भी करने वाला है और आपको जस्टिस देने के लिए आपसे मिलने वाला है। ये इस पर्सन की बहुत ही बोलते ना एकदम नज़र आपके ऊपर गड़ी है, आपके हर सिचुएशन में, आपके हर हाँ मोमेंट के ऊपर इस पर्सन की नज़र गड़ी है। ये बहुत पर्सन बहुत स्टॉक कर रहा है, बोल रहे अगर ब्लॉक किया ऐसा वैसा नहीं, पे कर इसे पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, तो उन्होंने जिस तरीके से वॉकआउट कर लिया था इस रिलेशनशिप से, उसके लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे और रिलेशनशिप में स्टार्ट करेंगे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सब कुछ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ऑप्शन को छोड़कर, क्योंकि सन ऑफ कप यहाँ पे रिवर्स आया था, रिस्क उठाते हुए आप भी दिख रहे हैं। आप भी एक बहुत अब तक आप जगलिंग की एनर्जी में थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस पर्सन की हरकतों से, बट मुझे लगता है आप एक फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे, जो रिस्क टेकिंग डिसीजन है। एम्परर की एनर्जी की है जी, आपका पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। यहाँ पे मेरे दर्शक भी ऐसे हैं कि वो भी पर्सन को अप्रोच करेंगे। हाँ चीज़ें बहुत ही हिडन है, सीक्रेट है, बट फिर भी आप एक कोशिश करती हुई दिख रही, क्योंकि देखिए अब चीज़ें कैसे भी हो, एक बात तो ये होती है ना कि हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ चीटिंग के ऊपर बहुत कम्युनिकेशन होने वाला है। इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको चीट किया है ना, ये पर्सन जब आपको इस तरीके से चीट कर भाग गए थे, छोड़ के चले गए थे, इस बात के ऊपर आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि आपने इस वजह से बहुत कुछ झेला है। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ धोखे किए थे, धोखे के ऊपर धोखा दिया था, आपसे बिट्रे किया था, आपके पीठ पीछे इतने खंजर इस पर्सन ने दिए थे, इस बात के ऊपर आप खुलकर बात करने वाली हो, क्योंकि एंजाइटी, जब तक आप ये बात खुल के इस पर्सन से करते नहीं हो तब तक आप इस ग्रजेस में रहने वाले हो, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक होंगे। तो भाई इतना होने से अच्छा है कि मैं एक बार बात कर लूँ, जब ये पर्सन सॉर्ट करने के लिए आएगा तो मुझे लगता है आप इस पर्सन से ये सारी बातें करने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपका आपके पर्सन के साथ स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, और जो कुछ इन्होंने पास्ट में किया था उसके ऊपर कम्युनिकेशन, खुल के कम्युनिकेशन करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। बट मैंने जैसे कि आपको बोला है काफ़ी मेरे पहले के वीडियो में भी, कि कम्युनिकेशन करते करते आप आर्गुमेंटिव मत हो जाना, जहाँ तक आपको लगता है वहाँ तक आप इनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, बट ये कम्युनिकेशन का कन्वर्शन आर्गुमेंट एंड देन सेपरेशन मोड में आपको नहीं करना है, अगर आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन और रहना चाहते हो तो। चलिए देखते हैं क्या है आपके साथ रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। आपके ओवरऑल एनर्जी भी तो वही आया, वैसे आपका कोई काम भी करे वहाँ पे भी मुझे बहुत सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मुझे फॉरेन से आती हुई दिख रही है जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे, बट आप ओवरऑल एनर्जी जहाँ पे से हम सोच के थी तो थोड़ा सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना, पेज ऑफ सोर्स की भी एनर्जी थी, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके ऊपर आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। कार्ड्स मेरे सब दिमाग में होते हैं गाइस, आप बस थोड़ा सुन लीजिए, देख लिया कीजिए, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। देखते हैं क्या है आपके साथ रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। विक्ट्री, डेस्टिनी, घूमने जा रही क्या पर्सन के साथ, यहाँ पे मुझे लगता है आप घूमने जा रहे हो। मून, थ्री ऑफ वैंड्स,
बातें हैं सीक्रेट है या फिर हाँ जी आ गया, स्पेल भी आ गया, डेविल, मून एंड डेविल, कोई सीक्रेटली कुछ कर रहा है गाइस आपके ऊपर, ये इतनी एनर्जी क्यों आ रही है। फूल बिंदास रहेंगे आप, मैजिशियन, एक कार्ड आता है ना, मैं नोटिस कर रही हूँ जैसे ही मैं ये जो देखिए वही दिमाग में मुझे सिर्फ ख्याल लाने की जरूरत है, कार्ड सीधा आंसर देते हैं, नहीं आप बराबर बोल रहे हैं ऐसा करके। जैसे मैं सोचती हूँ ना कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ, जैसे कि मून आ गया यहाँ पे, डिविल आ गया, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कोई एनर्जी और मुझे मैसेज आता है कि इसके ऊपर मैं सोचो, तुरंत फिर मैजिशियन आ जाता है, तुरंत फिर डेथ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है ना कि नहीं, मैसेज यही है कि कोई स्पेल हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर, काफ़ी लंबे टाइम से स्पेल किया जा रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, थर्ड पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आपको या तो पता है या तो आपको पता नहीं है, या तो आप बहुत भोले हो, आप थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ट्रस्ट रख रहे हो, बट ये स्पेल चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से, कोई दूर रहकर आपके ऊपर स्पेल करवा रहा है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर स्पेल करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके आपके पर्सन के बीच ये जो डिटैचमेंट वाला ब्लॉकिंग वाला गेम चलता है, एंडिंग वाली सिचुएशन होती है। भाई यहाँ पे डेथ के बाद अगेन एक कार्ड आया था, इस ऑफ पेंटेकल जो मैंने ले लिया है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या तो इस स्पेल आप उनको रिवर्ट बैक देने वाले हो, यही मुझे लग रहा है, इस स्पेल आप रिवर्ट बैक देने वाले हो। अब क्लेरिफिकेशन में मुझे नियर अबाउट यही कार्ड आते तो मुझे और मैसेज डिटेल में आ जाएंगे। वैसे आपकी विक्ट्री होती है मुझे दिख रही, तो मुझे लगता है आप स्पेल को रिवर्ट बैक कर देंगे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की ओर से स्पेल होगी आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, स्पेल होगी, बट आप बेवकूफ हो, शायद आपको पता है थर्ड पार्टी की हरकत। आप जी सिक्स ऑफ फैंड, सिक्स ऑफ फैंड में क्या है, बोलो किंग ऑफ कप, पर्सन का प्यार आ रहा है, पर्सन का प्यार तो मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, और इनका इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है, आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी आपके पर्सन के साथ। हाँ, डेस्टिनी, आपका जो साइकिल चल रहा था रिलेशनशिप में, जो ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा था, लॉस वाला सिचुएशन चल रहा था, ये पर्सन बार बार आपको डिटैच करके रखते थे, शायद वो साइकिल अब एंड होने वाला है, इस रिलेशनशिप को फाइनली एक सेफली सिक्योरली ये पर्सन लेते जा रहे हैं, और मुझे एक गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं, साइकिल एंड हो गया है, विल ऑफ फॉर्चून, एंड ऑफ साइकिल का भी ये बात होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलिंग या स्पेल किए जा रहे थर्ड पार्टी की वजह से, आप दोनों में सेपरेशन मोड आ जाए, इसीलिए थर्ड पार्टी की ओर से स्पेल किए जा रहे हैं, इम्बैलेंस बने इस रिलेशनशिप में, बट आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने एफर्ट इस रिलेशनशिप के ऊपर डाल रहे हो, जिससे डिवाइन की हेल्प से आप सारी चीज़ें कर रहे हो, और उसमें आपकी एक सक्सेसफुल ग्रैंड सक्सेस मुझे होती हुई दिख रही है। जी मैं श्योर हूँ, कंप्लीट श्योर हूँ, इस रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री है, थर्ड पार्टी को करने कुछ भी दो, द मून की एनर्जी क्यों है, वो ऐसा कर रही तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं हो, आपसे भी जितना बन सकता है आप उतना कर रहे हो, मून की एनर्जी क्यों है जब, आपके इमोशन से खेलने की एनर्जी हो, कोई इमोशनली आपको इस पे, इसीलिए भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस के साथ खेलने की एनर्जी, आपकी मेंटेलिटी के साथ खेलने की एनर्जी, इमोशनली कोई आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, जिस पावर में आप आए हो उस पावर को कोई खींचने की कोशिश करेगा सीक्रेटली, जैसे कि इमोशनली एग्जॉस्ट, हम एक बार इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए और इमोशनली होकर अकेले रहकर हमने एक बार गलत सोचना शुरू कर दिया, तो हम वो बात शुरू ही करते हैं, वो बढ़ती जाती है, वो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है वो एनर्जी, और ये एनर्जी इतनी एम्पलीफाई होती है कि आप डिप्रेशन के मरीज हो जाते हो, और कोई ऐसा स्पेल आपके मेंटेलिटी के साथ कर रहा है, इमोशनली आप हर्ट होंगे, क्योंकि इस पर्सन ने देखिए, आप अगली रात को आप बहुत रोते हो, अपने अपने आप को विक्टिम मेंटली में डालते हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, सोच सोच कर परेशान होती हो, रोते हो, रात रात तक रोते हो, दूसरे दिन भले आप खड़े होते हो, आप अपनी विक्ट्री की ओर चले जाते हो, बट रात में आपके साथ ऐसा होता है, मीन्स आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, एक लोगों के सामने दिखाने की कुछ और होती है, और जब आप अकेले रहते हो उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है।
पैंस के नजीक ही हूँ। आर्गुमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और पर्सन की ओर से आपको कोई क्लियरिटी अगर नहीं मिलती है, ये पर्सन आपको क्लियर कट कोई डिसीजन नहीं देती, क्लियरिटी नहीं देते, तो मुझे लगता है इस बात से आपका आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है, खास कर उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और पर्सन एक तो दूर है, ऊपर से कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे, इसलिए हो सकता है कुछ दोनों में आर्गुमेंट हो जाए। डेविल की एनर्जी क्यों मिल जाए, बहुत लंबे, मैं वही बोल रही ना, बहुत लंबे अंतराल से आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मंत्र तंत्र वशीकरण सम्मोहन कुछ तो काला जादू वशीकरण ऐसा कुछ किया जा रहा है, करनी बाधा ऐसा कुछ किया जा रहा है, वो भी लंबे समय से, शायद 7 साल से। फुल की एनर्जी की है, बैलेंस कर लेंगे आप। 7 साल में आपको समझ में आ चुका है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप भी अपनी कोशिश है, यहाँ पे देखिए एंजल की एनर्जी, आपके एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो आप कोई एंजेलिक थेरेपी ले रहे हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। आपको भी कुछ ना कुछ इंटीट्यूटिवली पता चल चुका है कि आपके साथ ये 12th कप पे आपकी रिलेशनशिप को किस तरीके से खेला जा रहा है, कौन सी एनर्जी खेल रही है, और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, एंजल के ऊपर, किसी से आप हीलिंग करवा रहे, जिससे कि एंजेलिक हीलिंग करवा रहे हो, जिससे आपकी रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल, वही मैजिशियन को आपने भगा दिया है आपके रिलेशनशिप से, ये हो रहा है चीज़ें, मैजिशियन आप की एनर्जी में आ रहे हो, मीन्स आप अपने ऊपर जो स्पेल किया जा रहा है उसको आप भगा रहे हो, आपने भगा दिया। ऐसा नहीं कि मैजिशियन किसी ब्लैक मैजिक के लिए नहीं, अगर आपका वीकनिंग यहाँ पे हो चुका है, आपको समझ आ चुका है कि इन चीज़ों से किस तरीके से निपटना है, और आपने वो वेपन अपने हाथ में ले लिया और आप उस राह पे चले जा रहे हो, बैक ऑफ होकर बड़ी कॉन्फिडेंस से अपने आप को सरेंडर करके, आप डिवाइन के सरेंडर में आकर आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो तो आपकी खुद की एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी होने वाली है। और जो पर्सन आना जाना खेलता है, इमोशनली गेम खेलता है, आपको एग्जॉस्ट करता है, मुझे लगता है आप उसका गेम ही तमाम करने वाले हो, क्योंकि आप इस बार दिमाग से चलने वाले पर्सन हैं। ये पर्सन अगर इमोशनली भी आपको फिर से अपनी शिशु में उतारने की कोशिश करेगा तो ये उतना वर्कआउट होगा नहीं। फैमिली में आपका ध्यान रहेगा, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे, बहुत स्ट्रांग हेडेड पर्सन आप बनने वाले हो अगले 15 दिन में, और ये मुझे लॉन्ग टर्म की एनर्जी लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिमाग से चलेंगे, इसलिए एनर्जी हो या फिर किसी के इमोशनल गेम हो, किसी के ऊपर आप बलि नहीं पड़ने वाले। डेथ की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ वैंड्स, वही सारे निगेटिविटी को खत्म, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, और जब आप इन सारी बातों के एंड करेंगे, या तो आप सब एंड होने के बाद किसी को अप्रोच करने वाले हो, या फिर किसी का प्यार आपको मिलने वाला है, किसी के साथ रिलेशनशिप, सब कुछ निगेटिविटी खत्म और ओनली पॉजिटिव लविंग केयरिंग अनकंडीशनल प्यार से आपकी रिलेशनशिप में बिगनिंग होने वाली है, और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाने वाला है। इन बातों से निकलना ज़रूरी है, आपको डर है मन में कि फिर से ये पर्सन चला जाएगा, और थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट रहेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये पर्सन चले गए थे, तो धीरे धीरे ये बातें निकलने के लिए टाइम लगेगा आपका, धीरे धीरे आप अपने आप को वक्त दे रहे हो ताकि मैं फिर से स्टेबल हो जाऊँ, बट आप इस एनर्जी से भी निकल जाएंगे। ये डर है सिर्फ आपके मन में कि ये पर्सन वापस आपको छोड़कर चला जाएगा, पर बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बातें इस पर्सन के ऊपर आपने इतनी ज़्यादा निर्भर रखी ही नहीं है। आप एक एम्परर, आपके एम्प्रेस के एनर्जी में आ चुके हो गाइस, आपकी खुशी आपके थर्ड पर्सन के आने जाने पे नहीं डिपेंड होनी चाहिए, ये आएगा तब भी ठीक, नहीं आएगा तब भी ठीक, मैं काफ़ी सक्षम हूँ अपने आप को खुश रखने के लिए, मैं काफ़ी हूँ अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। और भी रिश्ते, इससे मिलने से पहले काफ़ी रिश्ते थे हमारी लाइफ में, ये अकेला इस पर्सन नहीं ना कि जो सब कुछ एक ही आपका है, इसके आने के बाद भी कोई कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपके बने होंगे, जो इससे ज़्यादा लॉयल है, जो इससे ज़्यादा लविंग केयरिंग है,
लोग भी हैं हमारे लाइफ में, हम इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम अपने ऊपर सबसे पहले फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिसने जैसे जन्म लिया वैसे ही और आपके मरने तक आप अकेले अपना सपोर्टर हो, खुद का एक सिस्टम हो जो अपने आप को खुश करने के लिए काफ़ी है। चलिए देखते हैं क्या है आपका ओवरऑल फ्यूचर। जाके जो माइकल प्लीज गाइड में मेरे दर्शक देख रहे हैं इनका ओवरऑल फ्यूचर क्या है। चीटिंग से सावधान, इतना दिमाग से चल रहे हो फिर भी चीट कैसे हो जाते हैं, एक मोमेंट पे फंस जाते हैं हम लोग, वही एक मोमेंट पे फंसने वाले हो। मेरे सामने वाले को आपकी हर सिचुएशन का बड़ा अच्छे से स्टडी है, उसको आपका ब्रेन भी पता है और इसको आपका दिल भी पता है। और बहुत डेंजरस होता है गाइस जब ये क्या चल रहा है आपका हेल्थ इश्यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, स्टक इन रिलेशनशिप, क्या चल रहा है आपका, डाउट में क्या गया आपको में। चलो उससे पहले सुधर गए, हीलिंग ले ली यहाँ पे आपने, पावर में आ गए यहाँ पे, ये आपकी अब तक की एनर्जी है। मैं पहले एनर्जी निकालती हूँ फिर मैं आपको थोड़ा बोलती हूँ, ज़रूरत है भाई बोलने की। सन भी आ गया, चलो जंत में फ्यूचर तो आपका अबंडेंस है, सक्सेस है, वैभव है, सब कुछ अबंडेंस अबंडेंस है फ्यूचर में। देखिए बात क्या है ना, जब आपका दिमाग भी सामने वाले को पता है जिसने बार बार आपके दिमाग के साथ खेला, आपके दिल के साथ खेला है, और उस पर्सन को अगर आपका दिल दिमाग आपके इमोशंस सारी चीज़ें सारे सीक्रेट्स आपसे ज़्यादा पता है तो दैट पर्सन इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। इसके सामने आप दुनिया भर की कितना भी पॉलिटिक्स खेल रहे, कितना भी दिमाग चला ले, ये पर्सन आपको बार बार चीट करेगा क्योंकि आपने उनको इतनी सारी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। वही आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहे, बट सामने वाले को पता है कि आपका आपका जो पिक यहाँ पे होता है ना इंटेलिजेंस का, उसके लिए यहाँ होता है, उसको अच्छे से पता है कि इसको कैसे मुझे नीचे उतारना है, यही आपके साथ होगा। फिर से एक बार दिल तोड़ने वाला है, फिर से आप मिसिंग की एनर्जी में जाने वाले हो, फिर से आप अपने आप के लिए खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे, वेटिंग करेंगे, और जो एडवर्स सिचुएशन है पर्सन आपको देखे जाएगा, उल्टा पुल्टा लटका के जाएगा, उसी में आपकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है इस बार आपका अवेकनिंग ऐसा हो कि सामने वाले का दिल दिमाग कंट्रोल कर लेंगे। आप शायद कोशिश करेंगे कि जब तक मेरे साथ इसने किया है, जब आपको इसको आपके सीक्रेट्स पता है तो आपको सीक्रेट्स पता है ना, तो ऐसा कुछ दिमाग आपका भी चलने वाला है। हीलिंग यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे किसी के मेजर हेल्थ इश्यू की भी एनर्जी है, बट अगर आप खुद को हील कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो उसका एक सता हुआ दिख रहा है। अगर हेल्थ इश्यू चल रहे थे उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है, आप वापस अपने पावर में आ रहे हो, एक नहीं चार चार ऑप्शन आपके लाइफ में वो भी सक्सेसफुल एक्शन आते हुए दिख रहे, सिंगल हो तो मुझे लगता है चार चार प्रपोजल आपके सामने आते हुए दिख रहे। मैरिड रिलेशनशिप में वहाँ पे आप सक्सेस हासिल करने वाले हो, ग्रैंड सक्सेस, क्योंकि आपको हील होना ज़रूरी है। जब हो जाएंगे हीलिंग से क्या होगा ना, ये जिस लूप में आप बार बार फंसते हो चीटिंग एंड हार्ट ब्रेक एंड थर्ड पार्टी, उस लूप को आपको हमेशा हमेशा के लिए कट कर देंगे, तो हीलिंग मस्ट है और शायद आप ये करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों हिंज है, एट ऑफ सोर्ट्स, वही आपको जो डर मैंने बोला था लास्ट वाला जो कार्ड था, फोर ऑफ ओवरऑल एनर्जी, सब कुछ अच्छा जाएगा, बट आपको डर है कि वापस मेरे साथ चीटिंग होगी और ये पर्सन ऐसा ही कुछ करेगा, तो वो होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। ये पर्सन सच में ऐसा ही कुछ करने वाला है, आपका भरोसा फिर से एक बार टूटने वाला है और आपको इस रिलेशनशिप में फिर से वही फाइव कप अकेलापन मिलने वाला है। शायद ही ऐसी एनर्जी आपको वापस आपके भरोसे के साथ
खेला जाएगा और यही आपको वही मिसिंग वाली एनर्जी मिलने वाली है। बट आप खड़े रहेंगे खुद के लिए, फिर से खड़े रहेंगे और इस बार आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हैंगमैन एनर्जी की एंजल, फिर से स्टार्ट करेंगे जीरो से, फुल थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी की वजह से, जिस ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से फिर से दिल टूटने वाला है, थर्ड पार्टी की वजह से फिर से आप अकेले इसी ऐसे हैंग मैन की सिचुएशन में लटकने वाले हो, दिल टूटने वाला है आपका। वापिस ऐसे हैंग मैन की सिचुएशन में आप लटकने वाले हो। आप शुरुआत करेंगे फिर से खुद को, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस बार कॉन्फिडेंट होकर कोई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को आप किसी काम में उलझा लेंगे, क्योंकि दिल के मामले में शायद आप समझ जाएंगे कि आपके नशे में सिर्फ धोखा लिखा है, तो अच्छा है कि मैं अपने आप को किसी काम में उलझा लूँ। वो काम सबसे पहले क्या रहेगा ना, अपने आप को स्टेबल कैसे बनाना है, अपने आप को इन चीज़ों से कैसे निकालना है, इसके ऊपर आप आगे चलकर बहुत काम करने वाले हों। यहाँ पे ये पर्सन वापस आपके साथ यही धोखाधड़ी चीटिंग होने वाली है। इसी पर्सन एक बार धोखा खाने के बाद आपको बार बार इस लूप में फंसने की जरूरत ही नहीं गई। पर जैसे मैंने बोला ना, आपका दिल और दिमाग आपके पर्सन ने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है और इसको आपकी हर वीकनेस पता है और वापस आपके साथ ही होने वाला है। बट एंड ऑफ द डे आप अपने जब जहाँ से आपने जैसे स्टार्ट कर ली कि अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, बार बार मुझे इस हैंगमैन एंड थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं लटकना है, और आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, कोई स्टार्ट इनिशिएट करेंगे, और मुझे लगता है जहाँ पे कोई अपनी हीलिंग करवा रहा है, डिस्टेंस हीलिंग या फिर ऐसा कुछ करवा रहा है, जो पर्सन बार बार आपको ये धोखा दे के जाता है, इस लूप में फंसाता जाता है, तो इसके ऊपर आप परमानेंटली एक सोल्यूशन निकालने वाले हो। इस पर्सन के जाने से मुझे लगता है यहाँ पे अपने से काफ़ी सारे लोगों को मेजर हेल्थ इशू हो सकते हैं। ये धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और किसी के हैवी हेल्थ इशू दिख रहे हैं। हीलिंग का भी कार्ड होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों एनर्जी प्रैक्टिक करके बता दी। बट अब मुझे लगता है आप जो कोई भी है, थोड़ा आपको तकलीफ होगी, आप थोड़ी तकलीफ में रहेंगे, या तो आप हीलिंग करेंगे या फिर खुद की ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। और एक बार आप खड़े जैसे हो जाएंगे और आप अपने सेल्फ लव में आते हुए मुझे दिख रहे, सेल्फ लव में एनर्जी में आप आ रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। मुझे लगता है इस चैप्टर को एंड करने के बाद, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करने के बाद, एक आपको कोई अप्रोच करने वाला कोई पर्सन आपको वापस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको अप्रोच करने वाला है। ये पर्सन वही है जो आपका विच फुलफिलमेंट है, नहीं तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है जिससे आपकी नेम फेम पैसा बढ़ने वाला है। किंग ऑफ फ्रांस की एनर्जी क्यों है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। यही बार बार स्ट्रेंथ पावर में आप आ रहे हो। हर्मिट यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बहुत जा रहा है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी बहुत आ रही है। और अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी है, ये सारे मैसेज मिलूंगी गाइस। टेम्परेंस आप बैलेंस बना लेंगे, आप बहुत लॉजिकल एम्बिशियस होंगे और ऐसे रहेंगे आपके, अब मेरे साथ कोई खेल नहीं सकता, जो भी मेरे साथ खेलने की कोशिश करेगा हम इसको इसी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर रख देंगे। अब तक आप जाते थे ऐसे एनर्जी में, एटेन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप जाते थे, आप घायल होते थे, अब आप उन लोगों को घायल करेंगे जो आपको तोड़ने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए आएगा। आप अपने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज भी रखेंगे और आप अपने दुश्मनों को इस तरह से पछाड़ देंगे। उस पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप आ रहे हो, किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। और सिर्फ आप पावर नहीं गेन कर रहे हो, आप विजडम भी गेन करने वाले हो। विजडम के साथ साथ आप एम्बिशियस बनने वाले हो, लॉजिक और प्रैक्टिकल बनने वाले हो। आपको पता चल चुका है कि इमोशन में जितना रहूंगा उतना मेरे साथ दुनिया खेलेगी, उतना ही दुनिया मुझे तोड़ेगी। फोर ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है, अगर ये आपके मैरिड लाइफ में हो रहा है तो वहाँ पे भी आप बहुत लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हैं।
आपका ख्याल सिर्फ आपके बच्चों तक ही है, आप अपने पर्सन से ज़्यादा उम्मीद आगे चल कर रखेंगे नहीं, क्योंकि आपको शायद अब ये अच्छे से पता चल जाएगा, जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देगा। इस रिलेशनशिप में जितना लॉजिकल रहकर मुझे इस रिलेशनशिप को बैलेंस, बैलेंस नहीं बोलूँगी, ड्यूटीज़ में आप कमिटमेंट फॉलो करेंगे, ड्यूटीज़ आप अपनी निभाएंगे, उसी वहीं तक आपका इन्वॉल्वेशन रहने वाला है। देखिए जहाँ पे प्यार की बट आप रहेंगे कटे कटे से, बट आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन शायद फ्यूचर में आपसे वही बिहेव, वैसा ही बिहेव करने वाले हो जैसा कभी आपने इस पर्सन से पास्ट में चाहा था। तो वो पर्सन विच फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है जो आपने चाहा था। इतना सब सहने के बाद यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने वाले हो, जिससे आपको आपका मन चाहा रिलेशनशिप मिलने वाला है। अब तक रिलेशनशिप में आपने सिर्फ धोखे खाए हैं, इसीलिए आपको रिलेशनशिप के ऊपर से, प्यार के ऊपर से आपका भरोसा उठ चुका है। बट यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने के लिए आपके साथ इतना कुछ ड्रामा कर रही थी, अब आप समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो आपको यूनिवर्स अपनी ओर से ऐसा पर्सन डेफिनेटली देने वाले हैं जो आपका मनचाहा पर्सन है। द सन की एनर्जी की हैंड है, जी हैप्पीनेस एबंडेंस आर्ट में क्या है बोलो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप फाइनली आ रहे हो। यहाँ पे भी अगेन विक्ट्री, क्वीन की विक्ट्री मिलने वाली है। फ्यूचर हाँ थोड़ा हेवी है, बट हेवी होने के बाद जो आपने जिस तरीके से अपने फ्यूचर को 360 डिग्री में ऐसा ट्राइंग करके चेंज किया है ना भाई, मान गए, सच में मान गए, ऐसा ही होना चाहिए। लाइफ में अप डाउन आने हैं, सुख दुख आने वाले, धोखे मिलने वाले, चीटिंग होने वाले, सब कुछ होने वाले हैं, पर चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, इसलिए रोने के बजाय जिस तरीके से आप खड़े होते हो, अपने आप को स्ट्रांग करते हो, अपने आप को विल बिल्ड करते हो और अपने आप को इस तरीके से ग्रैंड सक्सेस मिलाते हो, तो मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी लगती है। ऐसी एनर्जी पिक करते हुए, ऐसी एनर्जी निकालते हुए बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमने जन्म लिया है तो भाई हमें पहले दिन से तो कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाली, इसमें तो हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसको ओवरकम करके आगे आना ज़रूरी है, जो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। फेरीज की क्या गाइडेंस है आपके लिए, खास करके मुझे लगता है 15 दिनों में मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन ऐसे होने वाली है। जो मैंने फ्यूचर की निकाली उसमें काफ़ी एनर्जी आपके पास के भी मुझे लग रही थी। प्रेजेंट में आपका एक करंटली एक्शन आया था और फ्यूचर आपका जो सन वाला आया था वो आपका फ्यूचर पर आया था। हैंगमैन की ओर से जो, तो मुझे लगा कि वहाँ से शायद प्रेजेंट की एनर्जी है आपकी। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, मैंने वही बोला, एंजल का जो टेम्परेंस का कार्ड देखा था, यू आर प्रोटेक्टेड। सॉलिट्यूड में, हर्मिट मोड में रहेंगे आप, सॉलिट्यूड में रहना है आपको हमेशा, थैंकफुल ग्रेटफुल टू यूनिवर्स रहना। प्योर इंटेंशन आप सेट करेंगे, अपने आप को, अपने आप के लिए खड़े होना भी एक प्योरिटी है ना गाइस। आप अपने सोल को जस्टिस दे रहे हो, अपने सोल को न्याय दे रहे हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडरेशन, थोड़ा बहुत चेंज की ज़रूरत है, काम के तरीकों में बदलाव लाइए, उसमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, अगर आपने कोई काम शुरू किया है उसमें नया बदलाव लाइए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, जो सपने देखे उसको प्रोटेक्ट करना भी आपकी ज़रूरत, आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे। इंस्पायरेशन आप होते हुए दिख रहे, मुझे लगता है आप किसी के रोल मॉडल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप फेमस बहुत होने वाले हो, सकता है अपना खुद का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सेट करें। देखिए सेलिब्रिटी हीलिंग, अगेन यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ चुका है, कोई हीलिंग प्रोफेशन में बहुत आगे जाता हुआ दिख रहा है। फेरी स्पॉटिंग, जी हाँ, फेरी आप ही को पूछ रहे हैं, तो फेरी भी आपको कर रहे, फेरी बोल रही है मून एनर्जी का सहारा लो, क्योंकि इमोशनली आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, इमोशंस से ऊपर काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, नेगेटिव काम किया जा रहा है, तो आपको उनको पॉजिटिव बनाने के लिए भाई डिवाइन के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो डिविनेशन आपका होने वाला है भाई यूनिवर्स में, यूनियन की ताकत, डिवाइन की ताकत, यूनिवर्स की ताकत आप समझने वाले हो, कैसे, हीलिंग से, मेडिटेशन से, खुद को मेडिटेट करके आप ये सारी चीज़ें करने वाले हो। स्टार गेजिंग करना डेफिनेटली सीखे, सपने देखिए, सपनों को प्रोटेक्ट भी कीजिए, क्योंकि लोग होते हैं, आपने जो सपना देखा है और जिससे आप सपने की राह पे चल गए, तो लोग आ गए भाई आपके राह में आपके टांग खींचने के लिए, तो प्रोटेक्ट करना है ड्रीम को। बोलो ही मत आप करना क्या चाहते, सिर्फ काम करो, सिर्फ काम करो, कोई पूछे तो भाई अच्छा लगता है इसलिए कर रहे, ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं किसी को। तो प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, उसमें आपको खरे भी उतरना है, मीन्स
लोगों से सामना करना है, लोगों को खुद से बचाना है, अपने इमोशंस को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने सपने को बचाना है, और इतने सारे काम आप कैसे कर सकते हो अपने आप को हील करके, अपने आप को सॉलिट्यूड में ला के, अपने आप को एक प्योर इंटेंशन मोड में सेट करके, और जो कुछ भी विश मांगते हो यूनिवर्स से सोच समझ कर मांगा करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है अगर कोई हीलिंग करवाता है तो आपकी हर बात सुनी जा सकती है, सुन ली जा रही है, इसके ऊपर आपका काम भी हो रहा है। तो ये है मेरे आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी? डेफिनेटली बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा, टेक केयर, लव यू ऑल।